मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे सतगुरु कबीर सभा के पदाधिकारियों और प्रेमियों के बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और उनके लिए विशेष रूप से जिन्होंने सबसे पुण्य काम इस सत्संग समागम का आयोजन किया है, उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा गहरा नाता और लगाव रहा है संत कबीरदास जी से। बनारस में ही मैं पला बढ़ा, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, और वह भूमि संत कबीर जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। मुझे लगता है कि बनारस की आबो हवा में ही कबीर हैं और कबीर में ही बनारस बसा हुआ है, ये बनारस के लोगों के मन में दिमाग में है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि बनारस की संस्कृति में सीधे साफ और बिना किसी लाग लपेट के बात रखने का रिवाज शायद संत कबीरदास जी के कारण ही पड़ा। परमपिता परमात्मा की खोज में निकले श्रद्धालुओं को कबीरदास जी ने समझाया था और बड़ी स्पष्ट वाणी में चेताया भी था, तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह तो सदा से हमारे भीतर हैं। और तभी उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो रहो शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यह भारतवर्ष का मैं सौभाग्य मानता हूँ, इस आध्यात्मिक धारा में कबीरदास जी जैसे पहुंचे हुए संत अवतरित हुए और अपनी ठेठ वाणी, साहस और अपने बुद्धत्व के परम प्रकाश के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया। मैं ये भी कहूँगा कि समाज में जहाँ जहाँ भी समस्याएं थीं उसे दूर करने तथा जनमानस को अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे परम ज्ञान की क्रांति से परिचित कराने में, अगर संतों का नाम आप लेंगे तो मुझे लगता है संत कबीरदास जी का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इस देश में अनेक महापुरुषों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अवतार लिया, लेकिन उन महापुरुषों में भी कबीरदास जी अनोखे थे और सबसे चमकते हुए हीरे थे वो। कबीरदास जी के अवतरण से पहले भी समाज तो चल ही रहा था, लेकिन वह एक सोता हुआ सुप्त समाज था। उसे जगाने का काम और उसके प्राणों में ऊर्जा तथा सांस भरने का काम संत कबीरदास जी ने किया, और उन्होंने कहा भी, स्तन का दीवा करूं बाती मूल्यों जीव, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देख्या पीव। अर्थात मैं इस शरीर को दिया बनाने के लिए राजी हूं,